हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। नंबर वन, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो एक चम्मच अजवाइन में थोड़ा सा नमक मिलाकर पानी के साथ खा लीजिए, बहुत ही राहत मिलेगा। नंबर टू, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान हैं तो दही के साथ बेसन मिलाकर प्रयोग करें, यह आपकी त्वचा को ब्लीच और साफ करेगा। नंबर थ्री, यदि आपका स्किन ऑयली है तो दूध में गेहूं का आटा मिलाकर लगाएं, इससे चेहरे से ऑयली का समस्या दूर हो जाएगा और साथ ही साथ चेहरे से जुड़ी बीमारियां दूर हो जाएगा। नंबर फोर, प्याज फ्राई करते समय इसमें एक चुटकी शक्कर डाल दीजिए, ऐसा करने से प्याज जल्दी और कुरकुरा भूनकर तैयार होगा। नंबर फाइव, अगर आपका बाल बहुत झड़ रहा है तो 3 से 6 महीना तक सरसों का तेल लगाएं, इससे आपका बाल भी झड़ना रुक जाएगा और बाल घना और काला हो जाएगा। नंबर सिक्स, ब्लैक हेड्स हटाने के लिए यह ट्रिक्स काम आएगा, पेट्रोलियम जेली का प्रभावित जगह पर लगाएं और प्लास्टिक रैप से ढक दीजिए, 25 से 30 मिनट तक इसे वैसे ही रखें। रैप को हटाने के बाद ब्लैक हेड्स को हटाने के लिए कॉटन वर्ड्स का उपयोग कीजिए। नंबर सेवन, अगर आपका बीपी बार बार लो हो रहा है तो एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी मिलाकर दिन में 4 से 5 बार पिए, इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। नंबर एट, गुलाबी होंठ पाना चाहते हैं तो चीनी में समान मात्रा में कॉफ़ी पाउडर मिलाएं, इस मिश्रण में जैतून या नारियल के तेल की कुछ बूंदें और नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें और धीरे धीरे अपने होठों पर 15 मिनट तक रगड़ें, इसका परिणाम पाने के लिए सप्ताह में 1 से 2 बार ज़रूर लगाएं। नंबर नाइन, अगर पूरियां तलने की तैयारी कर रहे हैं तो पूरियों को बेलने के बाद कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, इससे तलते समय पूरियां में ज़्यादा तेल नहीं भरेगा। नंबर टेन, जिस बर्तन में दूध गर्म करना है उस बर्तन के कोर पर मक्खन या घी लगा दें ताकि दूध में फुलफुले ना आए और दूध बाहर ना गिरे। नंबर 11, अगर आपके चेहरे पर काला दाग धब्बे हो गया है तो रोज़ाना चेहरे पर फिटकरी लगाएं, इससे दाग धब्बे ठीक हो जाएगा। नंबर 12, यदि घर पर पनीर बनाने के लिए दूध को नींबू की जगह फिटकरी से फाड़िए, ऐसा करने से दूध आसानी से फट जाएगा। नंबर 13, सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए मसाले के साथ कद्दूकस किया हुआ नारियल डालने से सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। नंबर 14, प्याज को काटने से पहले प्याज को ठंडे पानी में डुबोकर रखिए, इससे प्याज काटते समय आँखों में आंसू नहीं आएगा। कटे हुए सेब में कुछ नींबू निचोड़े, इससे ऊपर का भाग काला होने से बच जाएगा। ऐसे ही किचन टिप्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।